हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आशुर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री चार्ज पे लेटर के बारे में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लिमिट मिलेगी, आप कहाँ कहाँ शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, पेमेंट वगैरह कर सकते हो इंटरेस्ट फ्री में आपको मिलने वाला है, और आपको फ्री चार्ज पे 10,000 रुपीज का क्रेडिट लिमिट मिलता है पर मंथ। और आप जैसे ही फ्री चार्ज पे लेटर अप्लाई करोगे, जैसे आपका अप्रूवल होगा, आपको 200 रुपीज का अमेजन गिफ्ट वाउचर मिलेगा, और भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, आप कहाँ कहाँ शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, कहाँ पे पेमेंट वगैरह कर पाओगे, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स पे एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखना बिना स्किप किए। तो फिर चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं, अगर आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, या फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, अमेजन पे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, या फिर फ्रीचार्ज एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, वीडियो में आई बटन पे डाल दूंगा, उस वीडियो को जाओ देखो, आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर और क्रेडिट कार्ड के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। वीडियो आई बटन पे चेकआउट जरूर करना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रीचार्ज पे लेटर के बारे में। ठीक है, आपको स्क्रीन में देखने को मिल जा रहा होगा। तो सबसे पहले मैं अपने फोन में फ्रीचार्ज ऐप ओपन कर लेता हूँ। फ्रीचार्ज ऐप ओपन करने के बाद आप देख सकते हो आकाश चेक बैलेंस वगैरह दिखा रहा है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पे दिखा रहा है पे लेटर 200 अमेजन वाउचर ऑन फास्ट पे लेटर ट्रांजेक्शन। तो जैसे आप फास्ट पे लेटर पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट करोगे, पे लेटर को यूज करोगे और उस पर पेमेंट वगैरह करोगे, तो आपको 200 रुपीज का अमेजन गिफ्ट वाउचर मिलेंगे। ठीक है, तो स्क्रॉल करके नीचे जाना है। स्क्रॉल करके नीचे जाके आप देख सकते हो न्यू पेमेंट पे, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा न्यू पेमेंट पे लेटर अप्लाई। तो आप जैसे ही पे लेटर अप्लाई करोगे, आपको अप टू 1200 कैशबैक मिलेंगे। सीबी लिखा है, सीबी यानी कैशबैक, तो आपको अप टू 1200 रुपीज तक कैशबैक मिल सकते हैं जैसे आप पे लेटर अप्लाई करते हो। तो ठीक है, तो सिंपली स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल सेल सर्विसेज, यहाँ पे लिखा है पे लेटर और एक्सिस बैंक फिक्स डिपॉजिट। तो हम क्या करेंगे, पे लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। पे लेटर के ऊपर क्लिक करते हैं, ये लोड हो रहा है फ्रीचार्ज। तो जैसे हम फ्रीचार्ज पे लेटर के ऊपर क्लिक करते हैं, ये लोड हो रहा है, आप देख सकते हो। तो अब आ चुका है फ्रीचार्ज पे लेटर का डैशबोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीचार्ज पे लेटर शॉप नाउ रीपे ओनली वंस द इजी वन टैप पेमेंट सॉल्यूशन। यहाँ पे गेट स्टार्टर्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उसके सर्विसेज वगैरह पे बात कर लेते हैं। ठीक है, गेट कैशबैक एंड वाउचर्स फ्रॉम टॉप ब्रांड्स विथ फ्रीचार्ज पे लेटर। तो आप फ्रीचार्ज पे लेटर के थ्रू बहुत सारे कैशबैक पा सकते हो और वाउचर वगैरह टॉप ब्रांड से आपको मिलने वाला है। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लिमिट मिल जाती है आपको, क्रेडिट अप टू 10,000 एवरी मंथ, यानी कि आपको हर महीने 10,000 रुपीज का क्रेडिट लिमिट मिला, आप 10,000 तक शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। देखते हो इंस्टेंटली, देख रहे हो इंस्टेंटली अप्लाई करते ही आपको 10,000 रुपीज का लिमिट मिल जा रहा है। ठीक है, इजी रीपेमेंट, पे वंस ऑन द 5th ऑफ द मंथ, गेट अप टू 30 डेज टू रीपेमेंट द अमाउंट स्पेंट। तो आप जितने भी पैसे खर्च करोगे, जैसे फ्लिपकार्ट पे लेटर में होता था, आप कुछ भी शॉपिंग वगैरह कर लो 10,000 की लिमिट के अंदर, और उसको नेक्स्ट महीने 5 तारीख को पेमेंट करना होता था। ठीक फ्रीचार्ज पे लेटर में वैसा ही, माफ करना मेरे टोंग से मतलब स्लिप हो रहा है, फ्रीचार्ज और फ्लिपकार्ट मिक्स हो जा रहा है। तो फ्रीचार्ज पे लेटर में भी सेम टू सेम किया गया, आप फ्रीचार्ज में आपको 10,000 रुपीज का लिमिट मिल रहा है, शॉपिंग वगैरह करो बिंदासली, कुछ भी परचेस कर लो, और आपको पैसे क्या है नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख से पहले आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, और इजी रिपेमेंट वगैरह रखा है, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट, तो आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा अगर आप 1 महीने के अंदर शॉपिंग करते हो। 1 महीने के बाद अगर आप 5 तारीख को पेमेंट नहीं करते तो आपको उसके लिए कुछ चार्जेस वगैरह देनी पड़ती है। ठीक है, वन क्लिक पेमेंट रखा है, यानी कि नो मोर हैसलेस ऑफ पिन्स ओटीपीस एंड सेविंग कार्ड नंबर, जस्ट वन टैप एंड पेमेंट डन। यानी कि आप यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कहीं से भी पेमेंट करो, तो यहाँ पे कार्ड नंबर डालोगे, आपको ओटीपी आएगा, एक ओटीपी मारोगे, पेमेंट करोगे, तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट में पेंडिंग वगैरह नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज है। अब बात करते हैं हमें कहाँ कहाँ पे डील्स वगैरह मिलती है। ठीक है, तो सीधा सिंपली नीचे चलते हैं। ओके, तो 40 कैशबैक ऑन मिनिमम ऑर्डर ऑफ 159। तो यहाँ पे जोमेटो पे आपको कैशबैक मिल सकता है। ठीक है, वंस पर यूजर, यानी कि आप एक ही बार इसको यूज कर सकते हो। आप जैसे पे लेटर अप्लाई करोगे ना, तो इसमें जरूर शॉपिंग कर लेना, तो इसमें आपको बचत मिल जाता है, 40 रुपीज कैशबैक इंस्टेंट 40 रुपीज मिल जाएगा। बिग बास्केट पे आपको 25 रुपीज कैशबैक मिलता है अप टू 200। तो आप बिग बास्केट पे अगर कुछ भी शॉपिंग करोगे तो आपको 25% कैशबैक मिलेगा अप टू 200 रुपीज। ठीक है, वंस पर यूजर, एक ही बार आप पेमेंट कर सकते हो, बार बार मत करना, फिर कैशबैक नहीं मिला मुझे मत बोलना। फ्रीचार्ज पे लेटर मेड लाइफ सो इजी दैट नाउ आई कैन एंजॉय माय मॉड बस स्पेसफुली। तो सिंपली क्या करते हैं, यूज योर फ्रीचार्ज पे लेटर अक्रॉस 25,000 प्लस स्टोर्स। तो बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल है, सिंपली यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उसके नाम बोल देता हूँ, जोमाटो, स्विगी, मित्रा, बिग बास्केट, रियलमी, डोमिनोज पिज्जा, सोनी लिव, नेटमेट्स, वन प्लस बोट, मामा अर्थ, चाय पॉइंट, फ्रेश मेन्यू बॉक्स, मोजो, बहुत सारे कंपनीज का नाम है, शॉप क्लूज, MI वगैरह। आप इसमें क्या कर सकते हो, शॉपिंग वगैरह कर सकते हो और फ्रीचार्ज पे लेटर से पे कर सकते हो। ठीक है, इन्हीं सारे मर्चेंट 25,000 प्लस मर्चेंट और स्टोर है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, फ्रीचार्ज पे लेटर के थ्रू परचेस कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो और पैसे बाद में पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी।
तो अब बात करते हैं हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, हम कैसे फ्रीचार्ज पे लेटर को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर दिया है तो ये एक अलग सा डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ पे मेरा पान नंबर दिखा रहा है, प्लीज प्रोवाइड बिलो लिस्ट, तो मेरा पान नंबर यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डालना है, मदर्स नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, मेरिटल स्टेटस दिखाना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करने के बाद आई होप मैं आपको करके भी एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या मांगता है, रिलीजियन हिंदू, कास्ट जनरल, ओके मेरिटल स्टेटस में। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, मेरा पान नंबर पहले से इस पर लोड दिखा रहा है। दो स्टेप्स में ये चीज़ें कंप्लीट होगी, स्टेप वन और स्टेप टू। पान नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, मदर्स नेम डाल दिया, फादर नेम डाल दिया, मेरिटल स्टेटस अनमेरिड हूँ तो अनमेरिड लिख दिया, रिलीजन हिंदू है तो हिंदू डाल दिया, कास्ट जनरल है। आप अपने हिसाब से इसको फिर कर सकते हो। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेकंड नंबर स्टेप, यानी कि दो स्टेप पे आपको फ्रीचार्ज पे लेटर में क्रेडिट लिमिट मिलती है। प्रोफेशनल डिटेल्स, यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप आपको सिलेक्ट करोगे तो ऑक्यूपेशन टाइप आपको बिजनेस, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउसवाइफ, अदर्स, प्राइवेट सेक्टर, प्रोफेशनल, पब्लिक सेक्टर, रिटायर्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड देना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं है, आपको देना भी नहीं चाहिए, तो इसमें से आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई वगैरह करो, तो मैं सिंपली आपको बोल दूंगा अदर्स आप डाल दो, ठीक है, अदर्स वगैरह डाल दो, काम खत्म। और सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम में यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर, बिजनेस इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, सैलरी और अदर्स, तो यहाँ पे भी अगर आप स्टूडेंट हो तो अदर्स डाल देना, ठीक है। तो आपको मंथली इनकम यहाँ पे शो करना है और आई एम एन इंडियन सिटीजन इसके ऊपर टिक करना है, आई हैव रीड एंड हियर बाई फुल एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, इसके ऊपर क्लिक करना है और सबमिट मारना है। जैसे आप सबमिट वगैरह कंप्लीट करोगे तो आपको फ्री चार्ज पे पे लेटर मिल जाएगी। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस वी नीड ए फ्यू डिटेल्स टू सेटअप योर फ्री चार्ज पे लेटर। तो ये सारे दो स्टेप्स हैं, आप जैसे ही फिलअप करोगे, अगर आप बिजनेस वगैरह करते हो या फिर जॉब सैलरी वगैरह करते हो तो आप यहाँ पे फिल कर लेना। तो आपको ये जो प्रोफेशनल डिटेल्स है खुद से फिलअप करनी है, आप कौन से कैटेगरी में जाते हो। जैसे आप इस चीज़ को फिलअप कर दोगे और सबमिट मारोगे तो आपका जो पे लेटर है अप्रूव हो जाएगा और आपको पे लेटर एक्टिव कर दिया जाएगा और कुछ ही घंटे के बाद, यानी कि 24 आवर्स के अंदर आपको पे लेटर एक्टिवेट हो जाएगा और उस पर आपको 10,000 rupees का क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप फ्रीचार्ज पे लेटर को अप्लाई कर सकते हो, आपको अमेजन पे में कैसे आपको 200 rupees का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। जैसे आप फास्ट पे लेटर पेमेंट कंप्लीट करोगे तो आपको अमेजन पे के तरफ से 200 rupees का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और जैसे आप पे लेटर को अप्लाई करोगे, फ्रीचार्ज पे लेटर को अप्लाई करोगे तो आपको 1200 rupees तक कैशबैक मिल सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, आपको आप वंस पर यूजर ही यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। जोमेटो, बिग बास्केट वगैरह में आपको डिस्काउंट वगैरह मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको 10,000 rupees का क्रेडिट लिमिट मिलेगा। हर महीने आप 10,000 तक शॉपिंग कर सकते हो, कहीं पे भी शॉपिंग कर सकते हो, 25,000 प्लस स्टोर्स पे आप शॉपिंग कर सकते हो। और पेमेंट क्या है, हर महीने के लास्ट में पेमेंट करनी है, यानी कि मान लो मैंने इस महीने शॉपिंग कर लिया, मुझे नेक्स्ट महीने के 5 तारीख से पहले पेमेंट करनी होगी। 5 तारीख के बाद करूंगा तो मुझे कुछ चार्जेस वगैरह देनी पड़ेगी, तो मैं एक्श्योर कि मैं 5 तारीख से पहले पेमेंट कर दूं। और आपको मैंने बता दिया, आपको नॉर्मल अपना पर्सनल डिटेल्स और प्रोफेशनल डिटेल्स शेयर करनी होती है और सबमिट मारते ही आपका जो प्रीचार्ज पे लेटर है अप्रूव हो जाएगा। आप कौन से कैटेगरी में जाते हो, आप बिजनेस कैटेगरी में जाते हो, स्टूडेंट कैटेगरी में जाते हो, जॉब रिटायर्ड सैलरी पर्सन में जाते हो, कुछ भी जाते हो, तो आप चेकआउट जरूर करना ना, सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह सब कुछ वहाँ पे दिया गया, अपने कैटेगरी के हिसाब से फिलअप कर देना। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, कोई भी डाउट है बिंदास कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के लिए इतना उसे उतना शेयर जरूर कर देना। फ्रीचार्ज में पे लेटर लिमिट मिल रहा है तो बिंदास से जाओ और शॉपिंग वगैरह कर लो, जैसे फ्लिपकार्ट का करते हो वैसे फ्रीचार्ज में भी आप कर सकते हो। और चैनल में नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लोकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में मिलेगी। तो फिर मिलता हूं अगले वीडियो में एक जबरदस्त कंटेंट के साथ, धन्यवाद।